क्या आपको पता है ट्रू कलर में कुछ ऐसी पॉइंट सेटिंग्स छुपी हैं जो आपको नहीं पता है, आप भी उनका यूज़ करके फायदा उठा सकते हो। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप 5 सेटिंग अगर ट्रू कलर के अंदर कर लेते हो तो आप सब कुछ जान सकते हो। आपका बंदा आपकी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, कितने टाइम पहले वो ऑनलाइन था, कौन आपको देख रहा है, कि आप कॉल पे हो या नहीं हो, सब डिटेल में आपको वीडियो में बताना हो वाला हूँ। बने रहिए वीडियो को एंड तक, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप देख पा रहे होंगे कि साइड पर आप फोन का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, रिकॉर्ड करके मैं रखा हुआ, आप देख पा रहे होंगे। हम जैसे ट्रू कलर ओपन करते हैं, ट्रू कलर ओपन करते ही आपका इंटरफेस आ जाता है, किस किस को आपने कॉल किया है, किसको नहीं किया। अभी यहाँ पर किसी का भी नहीं शो कर रहा है मुझे कि कौन कितने टाइम पहले कॉल पे बिजी था, कौन नहीं था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऊपर 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको एक सेटिंग का ऑप्शन लास्ट पे दिख रहा होगा, आप इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर एक कॉल्स का ऑप्शन आपको दिखता है। सबसे पहले नंबर 1 सेटिंग, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी जो ट्रू कॉलर की सारी सेटिंग्स हैं, कॉल सेटिंग्स, वो यहाँ पर छुपी हुई है। सबसे पहले आपको बता रहा है कि आप अनाउंस फोन कॉल्स, ये सेटिंग अगर आप ऑन रखते हो तो आपका मोबाइल फोन जब भी आपको कॉल आती है आपको बताएगा कि आपको किसकी कॉल आ रही है। अगर अननोन नंबर से कॉल आ रही है आपको नंबर पढ़ के बताएगा, अगर आपका सेविड नंबर है तो आपका नाम बताएगा किस नंबर से कॉल आ रही है। आप इसको जैसे ऑन करते हो तो कभी कभार आप बेड पर सोइए तो फ़ोन चार्जिंग पे लगा होता है, आप जाके देखते हो अरे यार इसका फ़ोन उठा रहे थे, ऐसे उठना पड़ा रहा था। तो उस टाइम के लिए आपको ये ट्रिक, आपका फ़ोन आपसे दूर है, आपको पता चल जाएगा मुझे इसकी कॉल आ रही है। या फिर आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपका हेडफोन आपका स्पीकर बता देगा कि आपको किसकी कॉल आ रही है। जैसे आप सेटिंग ऑन करते हो, ट्राई इट का ऑप्शन बता रहा है आपको, आपको ट्राई इट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्राई इट पर क्लिक करेंगे तो ये देखो आपकी कॉल आ रही है, ये जस्ट सैंपल कॉल है, आपको बता रहा है कि ये देखो बता रहा है कि आपको किसकी कॉल आ रही है, जिस नाम से आपका नंबर सेव है वो नाम आपको पढ़ के बताएगा। सबसे पहले ट्रिक ये थी। दूसरे नंबर पे आपको मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो कॉल डिक्लाइन मैसेज, जैसे आप किसी को कॉल नहीं उठा पा रहे उस टाइम पे, आप मीटिंग में हो, कहीं बिजी हो, आपने कॉल कट कर दिया, कॉल तो कट कर दिया लेकिन अगले बंदे को पता नहीं चला मेरी कॉल क्यों काटी इसने। आप अगर इस सेटिंग को यहाँ से एडिट कॉल डिक्लाइन मैसेज पर कर देंगे, सॉरी आई कैन नॉट टॉक नाउ बता दीजिए, या फिर आई विल कॉल यू लेटर, जो भी आप रखना चाहोगे, किसी कॉल जैसे आप काटोगे तो उसको ये मैसेज चला जाएगा कि आप अभी बिजी हैं, आप खुद उसको कॉल बैक करेंगे, तो वो समझ जाएगा कि आपका बंदा कोई भी है जो वो बिजी है, अभी वो खुद मुझे कॉल बैक करेगा। अगर आप किसी का फ़ोन ऐसे काट देते हैं और ना उसको मैसेज जाता है तो थोड़ा बुरा सा लगता है बंदे को कि यार मेरा फ़ोन काटते बंदे ने। चलिए अब आती है हमारी तीसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक में आपको ये बताने वाला हूँ, तीसरी सेटिंग आपको प्राइवेसी सेंटर में मिलेगी। जैसे आप प्राइवेसी सेंटर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फर्स्ट सेटिंग एक आ रही है, अवेलेबिलिटी आपको स्क्रीन में दिख पा रहा होगा। जैसे इसको ऑन करेंगे आप, और यहाँ पर आप जो भी कॉल्स आपको आई है सब देखना अभी आपको दिख रहा है। 3 दिन पहले इसने बात की है, उसके बाद आपके 15 मिनट पहले इसने बात की है, ये जो चौथा नंबर एक आ रहा है हमारे पास ये अजय के नाम से, ये 28 मिनट पहले ये फ़ोन पर बिजी था। अगर आप किसी को कॉल करते हैं वो आपकी कॉल नहीं उठाता, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितना टाइम पहले कॉल पर बिजी था और आपकी कॉल नहीं उठा पा रहा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और चौथी सेटिंग की बात करें हम, ये देखो चौथी सेटिंग में आप जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्राइवेसी सेंटर फिर से क्लिक कर देना आपने, और यहाँ से प्रोफाइल व्यू नोटिफिकेशन, ये इसको अगर आप ऑन रखते हो तो कोई भी आपका ट्रू कलर पे आपका नंबर सर्च करता है, आपकी प्रोफाइल देखता है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा समवन वाज व्यूइंग योर प्रोफाइल। आप यहाँ पर इसको सेटिंग ऑन रख सकते हो। और पांचवी सेटिंग की बात की जाए तो पांचवी सेटिंग में आपको बताने वाला हूँ कि आप जैसे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक डाटा दिख रहा होगा जिसमें आपको बता रहा है लास्ट 30 दिनों में आपको कितनी कॉल्स आई है, कितने अननोन नंबर आइडेंटिफाई हुए हैं, कितने में आपने सेकंड स्पैमर से बचाए हुए हैं, मैसेज रिमूव टू स्पैम में कितने गए हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहा होगा स्पैम कॉल्स एडिट में 2 कॉल्स आपको 30 दिन में स्पैम कॉल्स आई है, और यहाँ से आप अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी कॉल्स 1 महीने में आती हैं और आपने स्पैमर से कितने टाइम बचाया हुआ है। 58 सेकेंड्स मैंने बचाया हुआ है। आप ये रही
आपके सामने ये री स्टोकर की पॉइंट सेटिंग्स के आपको पता था। अगर आप भी ऐसे और आगे हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।